जय श्री कृष्णा। मेरी एक बहन ने प्रश्न किया है कि आज के समय में सच्चा मित्र कैसे बनाए, कौन बन सकता है सच्चा मित्र। उन्हीं के लिए मैं इस प्रश्न का उत्तर लेकर आई हूँ। आज के समय में सच्चा मित्र ईश्वर के अलावा कोई बन ही नहीं सकता। आपके प्रभु, आपके इष्ट श्री कृष्ण, वही आपके सच्चे मित्र बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप संसार में सच्चे मित्र को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो कभी न कभी आप मात अवश्य खाएंगे। क्यों वह मित्र धोखा देगा? जब भी आप देखेंगे, अगर आप उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम मनुष्य हैं, और आप उसे संवारने का प्रयास करेंगे तो अनायास ही वह व्यक्ति भी रुष्ट हो जाएगा और मित्रता वहीं समाप्त हो जाएगी। इसलिए अगर सच्चा मित्र बनाना चाहते हैं तो प्रभु को, ईश्वर को, श्री कृष्ण को अपना सच्चा मित्र बनाइए। वह हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे। चाहते हुए भी वह आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। संसार में अगर मित्र को ढूंढेंगे तो वह आपका धन देखकर, आपका बल देखकर, आपका सौंदर्य देखकर ही आपसे मित्रता करेगा। और अगर उसको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कमी दिखाई दी, वह तुरंत मित्रता त्याग देगा। इसलिए मित्र बनाना है तो ईश्वर को मित्र बनाइए। अभी इस स्थिति में शायद आप इसे ना समझ पाए कि ईश्वर को ही मित्र बनाने को क्यों कहा जा रहा है। यौवना अवस्था है, सुख संपत्ति है, धन धान्य है, इन्हीं भोग विलासों से हम लोग लिप्त हैं, इसलिए हमें प्रभु का द्वार, प्रभु दिखाई ही नहीं देते। परंतु जिस समय इन सभी चीजों से तृप्ति हो जाएगी, आप छुटकारा चाहेंगे, चाह कर भी इन चीजों में आनंद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। परंतु एक बार अगर प्रभु के साथ सच्ची मित्रता कर ली तो आजीवन और जीवन के पश्चात भी प्रभु आपका पल पल, हर घड़ी, हर क्षण साथ देंगे। इसलिए मित्र बनाना चाहते हैं तो सच्चा मित्र, वास्तविक मित्र केवल और केवल ईश्वर ही बन सकता है, जो इस जीवन के साथ साथ हमारा मरण भी सुधार सकते हैं। इसलिए प्रभु को ही सच्चा मित्र बनाइए, उन्हीं में विश्वास रखिए, वही आपके परम और सच्चे मित्र बन सकते हैं। जय श्री कृष्ण।